Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I will show you a diagram which is very helpful to explain the different era of physics. So this is a diagram. So इससे हम ये दिखाएंगे आज कि हम किस तरीके से अलग अलग फिजिक्स के पार्ट को दिखा सकते हैं, उनके साइज़ वाइज या वो किस एरा में या किस लिमिट में वो एग्जिस्ट करता है. तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है इस हिसाब से कि हम डिफरेंट एरा को कैसे जान पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हमने शो करने का प्रयत्न किया है कि जो ये डायग्राम है वो स्पीड और साइज से लेके है, स्पीड और साइज़ के बीच में. और इसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ से यहाँ तक क्लासिकल स्पीड का रेंज है जो कि लाइट के स्पीड से काफ़ी लेस देन होता है. स्पीड इज़ लेस देन 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. और इधर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर रिलेटिविस्टिक स्पीड्स, जहाँ की स्पीड होती है वी टेंडिंग टू सी. तो ऐसी स्पीड जो लगभग लाइट की स्पीड के बराबर हो. और इधर के साइड में हमने साइज़ को शो कर रखा है. तो ये एक लिमिट है 10 एंगस्ट्रॉम की, यानी जो ये लाइन है वो डिफाइन कर रही है 10 एंगस्ट्रॉम. और इससे ऊपर उससे बड़ी है. जैसे कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो साइज़ हमारा इंक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो डिक्रीज़ होगा. तो इसके ऊपर साइज़ बड़ी है और इसके नीचे साइज़ उसी तरीके से छोटी होती आई है. तो ये जो रेंज है इसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक रेंज, या सिंपली एटॉमिक रेंज भी बोल सकते हैं. और इससे जो ज़्यादा ऊपर का रेंज है, इससे जो बड़ी साइज़ है उसको बोलते हैं क्लासिकल रेंज, यानी उसकी साइज़ होगी ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रॉम. तो 10 एंगस्ट्रॉम से बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन. और ये जो आखिरी लिमिट है स्पीड की वो यही है 3×10⁸, दैट इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट. तो ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा किसी भी बॉडी या मैटर का स्पीड नहीं होता है. तो ये हमारी फाइनल लास्ट स्पीड है. तो इसके हिसाब से हम ये दिखा सकते हैं कि स्पीड और साइज़ के हिसाब से जो हमारी सारी फिज़िक्स है ज़्यादातर वो कैसे डिफाइन है. तो पहला आता है आपका क्लासिकल फिजिक्स, जो हम बेसिक से पढ़ते हैं. 9th से ही ये स्टार्ट हो जाता है सारी चीज़ें हाई स्कूल से ही. तो जो क्लासिकल फिजिक्स होती है वो हमारी बेस्ड होती है न्यूटन्स लॉ के ऊपर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इसीलिए उसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं. तो जितने भी क्लासिकल टाइप के लॉज हैं या उसको हम जिसको क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं. एक तो ऐसे मैटर या ऐसी बॉडी जिसकी स्पीड लाइट से बहुत कम हो, इस रेंज में हो, मतलब इससे बहुत कम हो, तो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, एक इसके लिए आता है. दूसरी कंडीशन क्या है कि साइज़ बहुत ज़्यादा हो. तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है कि जो साइज़ है वो 10 एंगस्ट्रॉम से बहुत ज़्यादा हो, यानी क्लासिकल जो हम देख पाते हैं, जो रियल फिजिक्स मानी जाती है जिसमें हम हर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके मास बताते हैं और सारी चीज़ें विजुअल होती हैं और नॉर्मल आइज से भी हम देख सकते हैं उसको. तो यानी उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होगी 10 एंगस्ट्रॉम से. और दूसरी चीज़ यह है कि इसकी जो स्पीड होगी वो 3×10⁸ से काफ़ी लेस देन होगा. दूसरा एक पार्ट है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का. इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं साइज़ तो वही है, साइज़ का रेशियो वही है कि जो साइज़ होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रॉम. और हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻¹० मीटर, ठीक है, ये स्केलिंग है डिस्टेंस का. तो साइज़ के लिए सेम है, लेकिन स्पीड हमारी रिलेटिविस्टिक हो जाती है, यानी जो यहाँ स्पीड है वो हमारा वी टेंडिंग टू सी है. यहाँ पे स्पीड क्या था, यहाँ जो स्पीड था वो काफ़ी लेस देन था सी से, तो लाइट की स्पीड है उससे यहाँ पे काफ़ी कम होता है. तो ये रेंज था क्लासिकल का और ये रेंज है रिलेटिविस्टिक के लिए. तो इस फिजिक्स में हम ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं जहाँ पे साइज़ 10 एंगस्ट्रॉम से बहुत ज़्यादा हो और जो स्पीड हो वो काफ़ी तेज़ हो, ऐसी चीज़ों की डिस्कशन हम करते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में. उसी तरीके से क्वांटम फिजिक्स जो बेस्ड है पूरी तरह से श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन के ऊपर,
जो सारा क्वांटम का जो शुरुआत हुआ प्लैंक्स के थ्रू, और देन उसके बाद सारी चीज़ें डेवलप हुई आइंस्टीन, और फिर देन बाद में वेव मैकेनिक्स आई पूरी, वो श्रोडिंगर के हिसाब से चलती है, पूरा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है उसमें। तो जो क्वांटम फिजिक्स का एरा है पूरा, वो कहाँ पे लाई करता है, वहाँ पे क्या है कि जो हमारी स्पीड है वो स्पीड काफ़ी कम है, तो यहाँ भी स्पीड हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, वो लेस देन ही है, लेकिन यहाँ का साइज़ बहुत छोटा है। तो ये जो आता है वो इस रेंज में आ रहा है, और ये वो रेंज है जो एटॉमिक स्केल का रेंज है, एटॉमिक स्केल बोलते हैं, एटॉमिक स्केल या सब एटॉमिक रेंज। तो इस रेंज में हम क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स को हम इसमें पढ़ते हैं जहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब आते हैं, इनकी साइज़ काफ़ी छोटी है। तो एटॉमिक स्केल के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी की स्टडी हम इस लेवल पे करते हैं क्वांटम फिजिक्स में। और एक लास्ट जो डेवलप्ड पार्ट है इसी का, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का डेवलप पार्ट है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम फील्ड थ्योरी, रिलेटिविस्टिक क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, एमएससी लेवल पे आता है, उससे पहले ये टच नहीं होता। तो ये जो फिजिक्स है ये काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी मॉडिफाइड है। तो इसमें क्या है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो साइज़ है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। तो साइज़ है वो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, और स्पीड हमारा भी जो है वो टेंडिंग टू सी है। तो यहाँ हम ऐसे मैटर या बॉडी या पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं जहाँ पे साइज़ बहुत छोटा है 10 एंगस्ट्रॉम से, यहाँ से जितनी भी नीचे चीज़ें हैं वो साइज़ को दिखा रही हैं। तो साइज़ बहुत छोटा है और स्पीड हमारी इस रेंज में है, भी टेंडिंग टू सी। और फाइनल जो आखिरी लिमिट है हमारी वो क्या है, लाइट की स्पीड है 3×10^8। तो ये डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल है इन चीज़ों को समझने में कि हम कैसे कैसे सारे एरा को हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स का रेंज क्या है, कहाँ वो फेल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, दिख रही है क्लासिकल हमारा इस रेंज में फेल हो रहा है, जब हमारा साइज़ बहुत छोटा हो जाता है तो क्लासिकल फेल हो जाता है। दूसरी चीज़, ये क्लासिकल कब फेल होगा, जब हम इस रेंज में आ जाएंगे। तो केवल एक छोटा सा ये डायग्राम अगर हम याद रखें तो हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि क्या है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स या रिलेटिविस्टिक क्वांटम फील्ड थ्योरी। अब ये फिजिक्स इस फिजिक्स से क्यों डिफरेंट है, तो इस तरह से डिफरेंट है कि एक तो यहाँ पर साइज़ बड़ी है और दूसरा स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर है। तो ये काफ़ी आसान है इस तरीके से समझने से। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।